हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर द सीयूईटी पीजी 2023। सीयूईटी पीजी एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आने वाला है। अब रिजल्ट आने के बाद क्या है इसका प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे होगा, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, क्या एक कोई पोर्टल है या फिर अलग अलग अप्लाई करना होगा, इन सारे को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। तो सीयूईटी पीजी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आप आते नहीं। तो एक कॉमन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं ऑल इंडिया सेंट्रल बेस्ड, जहाँ पे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज आए, उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आए, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी आए, और इस साल ऐसा हो गया कि मतलब इंडिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो एंट्री ले लिया है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल कम है, प्राइवेट ही ज्यादा एंट्री ले लिया है। मैं स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे एमफार्म के काउंसलिंग की बात करूंगा, बट ऑल द पीजी कैन वॉच दिस वीडियो, सभी का प्रोसेस तो सिमिलर ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपका स्कोर आएगा, एक एनटीए स्कोर आएगा, एक सीयूटी पीजी का एक स्कोर आएगा, यहाँ पे रैंक नहीं आता, ठीक है। अगर हम एमफार्मेसी की बात करें, यहाँ पे कोई रैंक नहीं आएगा, नहीं आता नॉर्मली, पता नहीं जब चेंजेस ये लोग कर रहे हैं क्या होगा पता नहीं, बट ये यहाँ पे स्कोर आता है। जो स्कोर आपको मिलते हैं वही स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा, जो कट ऑफ स्कोर वो। तो यहाँ पे पहले तो एक कोई कट ऑफ स्कोर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो। जैसे कि मान लो कोई भी एक एनटीए का लिया गया एग्जाम, जीपैट को ही मान लो, एक पर्टिकुलर कट ऑफ होता है जिसको क्रॉस करते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे, आप एज ए जीपैट क्वालिफाइड कहलाए जाओगे और आपको मिलेगा स्टाइपेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अदर बेनिफिट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका स्कोर का वैलिडिटी तभी तक है जब तक आप एग्जाम में कॉलेज में एडमिशन लेते हो तब तक, उसके बाद इसका कोई फायदा नहीं है। यस, आप लोग अपने आप को क्वालिफाइड कह सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, बट उसका कुछ काम नहीं है और कोई फैसिलिटीज नहीं देगा, बस एडमिशन के लिए है, और कोई पर्टिकुलर कट ऑफ भी नहीं है कि कट ऑफ के ऊपर आप क्वालिफाइड हो नहीं। मान लो दो कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अब आप लोग एडमिशन ले रहे हो, कैसे लोगे? प्रोसेस पहले सुन लो, फिर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ का। आपको अलग अलग हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। ये प्रोसेस है सीयूटी पीजी के काउंसलिंग का। मतलब समझ लो कि अगर आपको स्कोर आया है 200, आपको 200 मिले हैं आपके एग्जाम में सीयूटी पीजी में, अब इन्होंने एनटीए का, आपको पता ही है एनटीए का काम है एग्जाम लिया ना और रिजल्ट दे देना, रिजल्ट आपको मिल गया, अब उस रिजल्ट को यूज करके जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो अपना अपना एक खुद का पोर्टल ओपन करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का पोर्टल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का पोर्टल, एक पोर्टल बनाएगा वो, जिस पोर्टल में आप लोग इस अपना ये जो सीयूटी पीजी के रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन आईडी को देकर आपका डिटेल्स फिल करोगे, आपका स्कोर क्या है उस फिल करोगे, किसके लिए अप्लाई किए हो, एमफार्म के लिए, ये ऐसे करके पूरा आपका फॉर्म फिल करना होगा। एंड फीस भी अगेन आपको पेमेंट करना है, सीयूटी पीजी के पेमेंट से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। पंजाब के लिए भी आपने किया सिमिलर, अपने राजस्थान के लिए भी आपने किया। अब पंजाब का यूनिवर्सिटी समो बेटर देन, समझ लो आपके सब्जेक्ट के लिए राजस्थान से बेटर है। तो सपोज पंजाब में एमफार्म में एंट्री लेने के लिए, एमफार्म इन फार्माकोलॉजी समझ लो, आपको कट ऑफ यहाँ पे आया है 210 और यहाँ पे आपका कट ऑफ आया है 190, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, और आपका स्कोर यहाँ पे है 200, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिल गया क्योंकि इसका कट ऑफ क्रॉस हो गया, पंजाब आपको नहीं मिला। सेकंड कट ऑफ, सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है आपने, सेकंड काउंसलिंग मतलब एक साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको राजस्थान में एडमिशन मिल गया, अब अगर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने सेकंड के लिए अपग्रेड किया पंजाब में, तो पंजाब का सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आ गया, तो आप लोग पंजाब में एडमिशन ले सकते हो, राजस्थान को सीट को छोड़ सकते हो। अगर नहीं आए तो आप लोग राजस्थान को भी ले सकते हो। अब यहाँ पे फैक्टर ये है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग बैठे रहेंगे आपके डेट्स के लिए, ये अपना काउंसलिंग चलाएंगे, ये अपना एडमिशन चलाएंगे, हर एक कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना डेट्स निकालेंगे, अलग अलग काउंसलिंग चलेंगे अलग अलग पोर्टल में। तो आपका मन, आप उस स्कोर को यूज करके कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरोगे, कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरोगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का फॉर्म तो भरना ही नहीं चाहिए, सभी का टारगेट रखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं तो लास्ट में ठीक है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मत जाना, कोई फैसिलिटीज कोई फायदे आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। इससे बेटर है आप लोग उसके इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन लो, हो सकता है कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिले आपको, कुछ ट्यूशन भी वेबर भी मिल सकता है। प्राइवेट में ही एडमिशन लेना है तो मैं सीयूटी पीजी एग्जाम क्यों दूँ, मैं तो ऐसे ही डायरेक्टली ले लूंगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही ओनली हमारा टारगेट होगा, प्राइवेट नहीं टारगेट होगा, ऐसा नहीं कि लास्ट ऑप्शन भी रखोगे, राइट? ऐसे ऐसे होगा, हर एक कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन करेगा
और उस स्कोर को यूज करके आप लोग हर एक का एडमिशन फॉर्म भरना और हर एक का रिजल्ट निकलेगा मेरिट लिस्ट, जिसपे नाम आए उस पर चले जाना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीटीपीजी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, जो भी करोगे। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब हाँ, एक और चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पता कैसे लगेगा, तो बहुत सारे चैनल्स है एम फार्मेसी के लिए, तो मेरे चैनल से आपको पता चल जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं कहूँगा अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट्स है चैनल्स बहुत सारे यूट्यूब से मिल जाएंगे आपको, जो हर एक का अपडेट आपको देते रहेंगे। ऑल दो अपडेट्स की कोई बात नहीं है, जो स्टार्ट करेगा वो सारे सब्जेक्ट के लिए ही स्टार्ट करेगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन।